नमस्कार दोस्तों एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में जो सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ड करियर है ऐसे सिग्नल्स जब रिसीवर्स पे पहुंचते हैं तो इन सिग्नल्स को डीमोडुलेट कैसे किया जाता है यानी इन सिग्नल से वापस मॉडुलेटिंग सिग्नल्स कैसे बना दिया जाता है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जो टेक्निक यहाँ डिस्कस की गई है उस टेक्निक को हम सिंक्रोनस डिटेक्टर भी कहते हैं Right. इसमें सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑब्वियसली जब हम डी की बात करेंगे तो सिंगल साइड करियर रिसीवर्स पे पहुंचेगा तो रिसीवर्स का जो इनपुट सिग्नल है वो सिंगल साइड करियर सिग्नल ही होगा ये सिग्नल बैलेंस्ड मोडूलेटर में जाएगा इसकी जो दूसरी इनपुट है वो कोस ओमेगा सी इन टी यानी जो करियर वेव सिग्नल ट्रांसमीटर पे यूज हुए थे वही करियर वेव सिग्नल्स लोकल ओसीलेटर से यहाँ जनरेट किए जाएंगे इसी वजह से इसको सिंक्रोनस डिटेक्टर भी कहा जाता है क्यों क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पे सेम फ्रीक्वेंसीज के करियर वेव सिग्नल यूज़ हो रहे हैं इन दोनों सिग्नल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनली एक्स ऑफ टी कहलाएगा वो एक्स ऑफ टी बच्चों लो पास फिल्टर से पास होगा और इससे बाहर निकलने वाला सिग्नल आपका मोडूलेटिंग सिग्नल ही होगा मैथेमेटिकली आपके सामने यहाँ प्रूफ रखेंगे कि जो वाई ऑफ टी है वो आपका मोडूलेटिंग सिग्नल ही होगा और तभी हम कहेंगे कि ये जो ब्लॉक डाइग्राम है ये परफेक्टली डी मोडूलेशन ऑफ सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ट करियर है तो हमें ये पता है कि जो सिंगल साइडबैंड सप्रेस्ट करियर है लेटर से उसको हम एस ऑफ टी से रिप्रेजेंट करें तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है इसका एक्सप्रेशन होता है एम ओफ टी इंटू कोस ओमेगा सी टी एम ओफ टी आपका मोडुलेटिंग सिग्नल है कोस ओमेगा टी करियर सिग्नल है इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस एम कैप ऑफ़ टी यानी मोडुलेटिंग सिग्नल का हिलबर्ट ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई विद साइन ओमेगा सी टी ये आपका एक एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ट करियरस का अब फाइनली मैं एक्स ऑफ टी में इंटरेस्टेड हूँ कि वो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी तो एक्स ऑफ टी क्या होगा बच्चों एस ऑफ टी दैट इज दिस सिग्नल मल्टीप्लाई विद करियर वेव सिग्नल दिस इज कोस ओमेगा सी टी अब कोस ओमेगा सी टी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा एम ऑफ टी कोस ओमेगा सिटी इंटू कोस ओमेगा सिटी इट बिकम्स कोस स्क्वेयर ओमेगा सि टी प्लस माइनस एम कैप ऑफ़ टी इंटू साइन ओमेगा सि टी साइन ओमेगा सि टी इंटू कोस ओमेगा सि टी यही बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद अब आप क्या करोगे एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको यूज करेंगे क्या फार्मूला है हमें पता है सर कोस स्क्वेयर ऑफ थीटा क्या होता है वन प्लस कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर लेंगे एक और प्रॉपर्टी यूज होगी क्या होगी अगर टू साइन ए कोस बी है तो उसको साइन टू 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 साइन ए कोस बी ये प्रॉपर्टी है ये होगा आपका टू साइन ए कोस ए तो इसको लिख दिया जाता है साइन टू ए राइट तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को बच्चों यूज कर लीजिए एक्स ऑफ टी ये बनेगा एम ऑफ़ टी एज इट इज कोस स्क्वेयर ओमेगा सी टी इसको लिखूंगा वन प्लस कोस टू ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाई टू प्लस माइनस आगे एम कैप ऑफ टी टू से डिवाइड कर दीजिए टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो दिस इज टू साइन ओमेगा सी टी इंटू कोस ओमेगा सी टी राइट टू साइन ए कोस ए यही फार्मूला है तो साइन टू ए में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ वो लिख दीजिए एम ऑफ टी वन प्लस कोस टू ओमेगा सी टी डिवाइडेड बाय टू प्लस माइनस एम कैप ऑफ टी डिवाइडेड बाय टू इनटू व्हाट साइन टू ए तो टू ए क्या है ओमेगा सी इंटू टी टू ओमेगा सी इंटू टी ये फाइनली बच्चों आपका एक्स वन ऑफ टी आ गया अब यहाँ क्या होगा यहाँ पे इसको अलग अलग तोड़ लीजिए आप तो ये x1 वन ओफ एक्स ओफ टी जो है इसको लिख लीजिए दिस इज m ऑफ t डिवाइडेड बाई टू ये अब फाइनली और क्या होगा m ऑफ t डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई विद वॉट कोस टू ओमेगा सी इंटू टी प्लस माइनस यहाँ क्या होगा m कैप ऑफ टी डि मल्टीप्लाई विद वॉट साइन टू ओमेगा सी इन टू टी ठीक है अब इसके बाद क्या होगा एक्स ऑफ टी इज पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर और लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमने रखी है एफ एम यानी जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल थे ट्रांसमिटिंग एंड पे उनकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मान ली यानी इस फ्रीक्वेंसी से कम सिग्नल सारे पास हो जाएंगे और इस फ्रीक्वेंसी से बड़े सिग्नल पास नहीं होंगे तो अब हम लिखेंगे आफ्टर आफ्टर पासिंग थ्रू लो पास फिल्टर अगर लो पास फिल्टर से सिग्नल पास हुआ तो क्या होगा देख लीजिए। एम ओफ टी बाई टू एम ओफ्ट टी आपका मॉडुलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एफ एम ही है तो इसका मतलब बच्चे ये जो कंपोनेंट है ये पास हो जाएगा एम ओफ टी इंटू कोस टू ओमेगा सी इंटू टी एम ओफ टी क्या है कोस ओमेगा एम इंटू टी कोस ओमेगा एम इंटू टी इंटू कोस टू ओमेगा सी इंटू टी तो इस कंपोनेंट का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन कौन से होंगे इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे सर या तो टू ओमेगा सी टी प्लस माइनस ओमेगा एम हर हाल में ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी से कंपोनेंट आपके बड़े होंगे राइट इस वजह से ये पूरा कंपोनेंट लो पास फिल्टर से पास नहीं होगा ठीक है अब आपका आ गया थर्ड कंपोनेंट इसके क्या होंगे साइन टू ओमेगा सी इंटू टी यानी फ्रीक्वेंसी टू ओमेगा सी इसकी है एम कैप ऑफ टी की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी दैट इज़ ओमेगा एम तो इसके जो कंपोनेंट हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो क्या बनेंगे टू ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा एम हर हाल में दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ओमेगा एम से बड़े होंगे और अगर वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बड़े हैं तो लो पास फिल्टर इस सिग्नल को भी अटेनट कराएगा यानी आउट ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स ओनली वन कंपोनेंट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ एम विल सपोज टू पास थ्रू दिस लो पास फिल्टर तो जो लो पास फिल्टर है बच्चों वहां उसकी आउटपुट वाई ऑफ टी है एंड दैट बिकम्स एम ऑफ टी डिड बाय टू एम ऑफ टी डिवाइड बाय टू ये आपका फाइनली आउटपुट आ चुका है अब एम ऑफ टी क्या था मोडुलेटिंग सिग्नल इसका मतलब वाई ऑफ टी क्या है ये भी आपका मोडुलेटिंग सिग्नल है राइट right? तो इन दिस वे वी कैन demodulate the दी सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ट करियर विद हेल्प ऑफ सिंकरोनस डिटेक्टर्स ये ब्लॉक डाइग्राम है ये आपकी वर्किंग है इन टर्म्स ऑफ मैथेमेटिकल एक्सप्रेशंस और फाइनली आपने यहाँ पे प्रूफ दिया है कि जो इस ब्लॉक डायग्राम का आउटपुट सिग्नल वाई ऑफ टी है दैट इज़ नथिंग बट योर मॉडुलेटिंग सिग्नल सो मेरी तरफ से सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ट करियर कम्प्लीट हो चुका है उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा नेक्स्ट वीडियो से इसी के कॉन्टिन्यूशन में नया टॉपिक हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे दिस इज़ द एंड ऑफ़ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो